1989 में ही राजीव गांधी की कांग्रेस की सरकार थी और राजीव गांधी की सहमति से अयोध्या जी में मंदिर का शिलान्यास प्रारंभ हुआ। और जब 1989 में शिलान्यास प्रारंभ हुआ तो ये वही 1989 का साल था जब वामपंथियों ने राम मंदिर आंदोलन में राम मंदिर के खिलाफ एक पर्चा लिखा। इसमें इन्होंने लिखा क्या क्या, पहला तो इन्होंने ये लिखा कि भाई अयोध्या ही राम जी की जन्मभूमि है, इसका कोई प्रूफ नहीं है। आगे इन्होंने इस पर्चे में लिखा कि भाई राम जी के जन्म का ही कोई प्रूफ नहीं है, इनको राम जी का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट चेक करना था, इन 25 डिस्टोरियंस को। और दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग, उम्मीद करता हूं ठीक होगे। ठीक क्या, खुश होगे, आनंद में होगे, भाई होना भी चाहिए क्योंकि 22 जनवरी को हमारे राम जी का मंदिर बन रहा है जिसकी प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है अयोध्या जी में। तो पूरा देश जब राममय है, हर जगह राम जी की बात हो रही है, लोग अपने किस्से बता रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं भी आपको एक किस्सा बताऊं कि राम जी का जो मंदिर बन रहा है ये ना बन पाए इसके लिए किस किस ने इस देश में क्या क्या किया है। तो उसमें जो पहला नंबर आता है भाईजानों के बाद, वो आता है लेफ्टिस्ट डॉग्स का, या और कहूं तो लेफ्टिस्ट डिस्टोरियंस का, जिनको एमिनेंट हिस्टोरियंस भी हमारे देश में कहा जाता है, कई तो एमेरिटस लेजेंडरी भी अपने आप नाम के आगे लिख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप लोगों को क्लियर कर चुकी, जो भाईजान होता है, जो ये जॉम्बी होता है, इसको इंटेलेक्चुअल दिखने का कोई कीड़ा नहीं काटता, इसको इंटेलेक्चुअल फकिंग में ज्यादा विश्वास नहीं होता। अगर भाईजान आपसे एंगेज कर भी रहा है, डिबेट कर भी रहा है, तो उसका एक ही मतलब निकलता है कि भाईजान या तो अभी 40% से कम है या उसके पास डायरेक्ट एक्शन डे करने की क्षमता नहीं हुई है, उसके पास स्ट्रीट वीटो नहीं आया है। भाई मेरे गुरु कहते हैं कि ये जो जॉम्बी कल्ट है इसमें सारी डिबेट डिस्कशन ये सब जो है तलवार के दम पे होता है, जो जीत जाता है मतलब जिसकी गर्दन बची रह जाती है वो डिबेट का विनर घोषित हो जाता है, ये इनका सिस्टम है। भाई इन शॉर्ट अगर मैं आपसे कहूं तो स्ट्रीट वीटो आने तक ही भाईजान जो है ये संविधान, लॉ एंड ऑर्डर, कोर्ट कानून, कचहरी, न्यायालय और गंगा जमुनी तहजीब, इन सब की एक्टिंग करता है। जिस दिन भाईजान इस लायक होता है कि डायरेक्ट एक्शन डे कर सके, उसी दिन गंगा जमुनी तहजीब का बलात्कार करके खिड़कियों से लटका देता है। भाईजान अपनी इन सारी चालों में सफल इसलिए हो जाता है क्योंकि भाईजान के फंडे जो है वो शुरू से ही क्लियर है, अनक्लियर है। हम ही इसमें उलझे रहते हैं कि सिवई खाएं कि नहीं खाएं। भाई मैं कह रहा हूं मत खाओ और उनको जाके खिलाओ। कौन सी खिलाओ, तो सूर्यवंशम में जो हीरा ठाकुर ने खाई थी वो खिलाओ। अगर तुम्हें भाईजानों से सच्चे वाला प्यार है, तो अगर तुम मानवता के लिए सही में कुछ करना चाहते हो, उस पर्यावरण को बचाना चाहते हो, तो भाई इसका एग्जाम्पल मैं आपको अगर देना हो कि भाई भाईजान इंटेलेक्चुअल डिबेट में नहीं फंसता, उसको इंटेलेक्चुअल फकिंग का शौक नहीं है, तो मैं आपको 1947 से पहले का एक उदाहरण देता हूँ। जब भाईजानों ने पाकिस्तान की डिमांड करी तो उनका सिंपल सा लॉजिक था कि भाई हमारे बाप दादाओं ने, अब्बा जानियों ने इस देश पर 800 सालों तक हुकूमत करी है, अब अंग्रेज आ गए, अब जब अंग्रेज जाएंगे तो वो हुकूमत जो है हमको मिलनी चाहिए। फिर जो ये पैरासाइट्स होते हैं, एक परजीवी होता है पैरासाइट, इनके चाचा के लड़के होते हैं वामपंथी डॉग्स, इन वामपंथियों ने भाईजान से कहा कि यार ऐसे मत करो, आपका ना पाकिस्तान मांगने का तरीका थोड़ा कैजुअल है, इसको थोड़ा इंटेलेक्चुअल बनाओ। और गंगाधर अधिकारी नाम के कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के बहुत बड़े, मतलब बहुत बड़े कह रहा हूँ तो बहुत बड़े नेता हुए, उन्होंने पाकिस्तान की डिमांड के समर्थन में इंटेलेक्चुअलिज्म से भरे हुए पर्चे लिखे, उन्हीं के आधार पर भाईजान ने अपनी तलवार को धार दी और 1947 में देश बट गया। खैर जब मैंने वीडियो शुरू की थी तो मैंने आपको बताया था कि भाई मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि इन वामपंथी डॉग्स का राम जन्मभूमि आंदोलन में क्या योगदान रहा है, मंदिर ना बन पाए इसके लिए वामपंथी कुत्तों ने क्या क्या किया है। तो जी वामपंथियों के कूदने से पहले जो भाईजान था वो जैसे पाकिस्तान की डिमांड के लिए बिल्कुल क्लियर था, एक लाइन का स्टेटमेंट था भाईजान का, राम मंदिर पे कहना था कि भाई यहां पे हमारी मस्जिद थी और 1526 से तो थी ही थी और अब ये मस्जिद ही रहेगी, वंस अ मस्जिद ऑलवेज अ मस्जिद। भाईजान का यही था, भाई यहां मस्जिद थी, हमको हमारी मस्जिद चाहिए, कोई प्रूफ कोई फैक्ट कुछ नहीं, नथिंग डूइंग। फिर वामपंथी डॉग्स आगे, उन्होंने कहा भाईजान यार आपका ये फिर मस्जिद मांगने का तरीका जो है थोड़ा कैजुअल है, इसको इंटेलेक्चुअल बनाते हैं। और इस प्रकार जो वामपंथी हैं राम जन्मभूमि आंदोलन में कूदे, इन्होंने कह सकते हैं पहली वाइल्ड कार्ड एंट्री ली। साल था 1989, पूरे देश में राममय माहौल था, गांव-गांव में शिला पूजन हो रहे थे, वो शिलाएं पूजित होके अयोध्या जी आ रही थी। 1989 में ही राजीव गांधी की कांग्रेस की सरकार थी और राजीव गांधी की सहमति से अयोध्या जी में मंदिर का शिलान्यास प्रारंभ हुआ। और जब 1989 में शिलान्यास प्रारंभ हुआ तो ये वही 1989 का साल था जब वामपंथियों ने राम मंदिर आंदोलन में राम मंदिर के खिलाफ एक पर्चा लिखा। जी पर्चा कहाँ से छपा, तो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय है एक दिल्ली में, है ना, चर्चाओं में रहता है अक्सर, कुख्यात है कह सकते हैं चर्चाओं में रहने के लिए। यहाँ पे एक डिपार्टमेंट है CHS, सेंटर फॉर हिस्टोरिकल स्टडीज, उस CHS ने एक पर्चा छापा, पर्चे का नाम था द पॉलिटिकल एब्यूज ऑफ हिस्ट्री।
बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि डिस्प्यूट। इस पर्चे को लिखने वाले, मतलब जिन्होंने इस पे साइन किए थे, उनके नाम मैं आप लोगों को एक बार बताते चलता हूं। सर्वपल्ली गोपाल, रोमिला थापर, बिपिन चंद्रा, सब्यसाची भट्टाचार्य, सुवीरा जायसवाल, हरबंस मुखिया, के एन पनिक्कर, आर चंपक लक्ष्मी, सतीश सबरवाल, बी डी चट्टोपाध्याय, आर एन वर्मा, के मीनाक्षी, मुजफ्फर आलम, दिलबाग सिंह, मृदुला मुखर्जी, माधवन पलट, आदित्य मुखर्जी, एस एफ रत्नागर, नीलाद्री भट्टाचार्य, के त्रिवेदी, योगेश शर्मा, कुणाल चक्रवर्ती, भगवान जोश, राजन गुरुकुल एंड हिमांशु रे। इन 25 डिस्टोरियंस ने जेएनयू में जो पढ़ाते थे, इन्होंने अपने 7 पन्ने का जो पर्चा लिखा, द पॉलिटिकल अब्यूज ऑफ हिस्ट्री, इसमें इन्होंने लिखा क्या क्या। पहला तो इन्होंने ये लिखा कि भाई अयोध्या ही राम जी की जन्मभूमि है, इसका कोई प्रूफ नहीं है, इनको प्रूफ नहीं मिल पा रहा था। दूसरा पॉइंट इन्होंने लिखा इसमें, भाई जो अभी वाली अयोध्या है, ये वही वाल्मीकि जी वाली रामायण की अयोध्या है, इसका भी कोई प्रूफ नहीं है। आगे इन्होंने इस पर्चे में लिखा कि भाई राम जी के जन्म का ही कोई प्रूफ नहीं है, इनको राम जी का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट चेक करना था, इन 25 डिस्टोरियंस को। फिर इन्होंने कहा कि भाई जो अयोध्या जी हैं, जो अभी हिंदुओं के लिए इतना महत्वपूर्ण बताई जा रही है, इनका पहले कोई महत्व नहीं था। फिर इन्होंने कहा कि अयोध्या जो है ये केवल हिंदुओं का रिलीजियस सेंटर नहीं रही है, ये तो हर जाति मजहब धर्म वालों का रिलीजियस सेंटर रही है, मतलब उसमें भी इन्होंने जबरदस्ती का सेकुलरिज्म घुसा दिया। और इन्होंने कहा कि भाई 4 सेंचुरी पहले ही अयोध्या जो है वो राम भक्तों के लिए महत्व का कारण बनी है। फिर इन्होंने लिखा कि ऐसा कोई भी प्रूफ हमको नहीं मिलता है कि भाई जो बाबरी मस्जिद है वो मंदिर को तोड़ के बनी। अब जब ये सारी डिबेट चल रही थी तो हिंदू पक्ष जो है वो मंदिर के पक्ष में अपना एक आर्गुमेंट ये दे रहा था कि भाई जो ब्रिटिश ऑथर्स थे, जो फॉरेन ट्रेवलर्स थे, उन्होंने 16वीं 17वीं 18वीं सदी में ये लिखा है अपनी किताबों में जो आए थे कि भाई यहाँ पे पहले एक मंदिर था जिसको तोड़ के वहां पे मस्जिद बनाई गई है। इन वामपंथी डिस्टोरियंस ने उस पर्चे में लिखा कि उन ब्रिटिश ऑथर्स ने बिना किसी प्रूफ, बिना किसी एविडेंस के ऐसे ही लिख दिया है। और ये जो डॉग्स हैं ये यही नहीं रुके, इन्होंने आगे लिखा कि जो बाबर था बड़ा टॉलरेंट था, मतलब नॉन मुस्लिम जो प्रजा थी उसके प्रति, इनके हिसाब से बाबर बड़ा क्यूटी क्यूटी गुडी गुडी टाइप का किंग था, जो बड़ा मतलब कैसे कह लें, जो अकबर द ग्रेट का एक लाइट वर्जन बाबर द ग्रेट भी हो सकता था इनके हिसाब से। फिर इन्होंने कहा कि ऐसा भी कोई एविडेंस नहीं मिलता है कि जो भाई मुसलमान शासक हैं वो आम तौर पर और संभवतः हिंदू श्रद्धा स्थलों के विरुद्ध रहे हैं, मतलब इनके हिसाब से जो मुस्लिम राजा थे, जो ये किंग्स थे, जो इन्वेडर्स थे, ये हिंदुओं के खिलाफ नहीं थे, इसका कोई एविडेंस नहीं है कि भाई वो खिलाफ थे, ऐसा ये लिख रहे हैं। फिर इन्होंने लिखा कि जो अयोध्या है वो तीर्थ क्षेत्र होने में, एक तीर्थ केंद्र होने में, अयोध्या के पिलग्रिमेज सेंटर बनने में मुस्लिम शासकों और नवाबों का भी बड़ा योगदान है, मतलब उन्होंने भी पैट्रोनेज दिया है, इसलिए अयोध्या जी जो हैं वो हिंदुओं के लिए तीर्थ केंद्र बन सकी हैं। फिर उन्होंने लिखा कि भाई अयोध्या पर कोई एक धार्मिक समुदाय अपना एक छत्र पावन स्थल होने का अधिकार नहीं कर सकता। अब आप सोचें ये सारी चीजें पर्चे में कौन लिख रहे हैं, तो देश के जो सबसे बड़े वाले तथाकथित एमिनेंट हिस्टोरियंस थे वो लिख रहे हैं। ये वही हैं जो कहते हैं कि देश में सेफरनाइजेशन हो रहा है, मोदी सरकार इतिहास का भगवाकरण कर रही है। अब कोई इन कुत्तों से ये पूछे जाके कि भाई जो तुमने ये लिखा था ये तुम इतिहास का कौन सा करण कर रहे थे, क्योंकि ये सारे जो पॉइंट्स इन्होंने लिखे थे इसमें किसी भी पॉइंट को वो कोर्ट में सिद्ध नहीं कर पाए, और कोर्ट ने इनको फटकार भी लगाई, वो मैं आपको आगे की वीडियो की सीरीज में बताऊंगा। और सोचें सबसे बड़ी चिंता की बात क्या है, जो ये 25 डिस्टोरियंस हैं इन्हीं की लिखी एनसीईआरटी की किताबें कॉलेजों में भी जो पढ़ाई जाती हैं, और इनफैक्ट एनसीईआरटी का जो स्टैंडर्ड सिलेबस होता है वही सारे स्टेट बोर्ड वाले भी थोड़ा बहुत चेंज करके पढ़ाते हैं, वही पढ़ के उसी सिलेबस को चाट के बच्चे जो हैं दिन रात यूपीएससी की तैयारी करते हैं। आप सोचें कितनी जनरेशन जो है हमारी इन डिस्टोरियंस की हिस्ट्री पढ़ के आईएएस बनी होंगी, आईपीएस बनी होंगी, प्रोफेसर बनी होंगी, उन्होंने पीएचडी की होगी, कितनों ने खुद को इंटेलेक्चुअल समझा होगा। आप सोचें किस प्रकार इस देश की आत्मा को कोरोड़ करने के लिए इन्होंने मतलब क्या क्या किया। अगर कोई मेरे से पूछे तो मैं तो यही कहूँ कि एक तो जुडिशियल इंक्वायरी होनी ही चाहिए, और इनकी लिखी किताबें जितनों ने पढ़ के पेपर दिए हैं, जो पास हुए, जो सेलेक्ट हुए, उनका दोबारा टेस्ट लिया जाना चाहिए, कम से कम इंडियन हिस्ट्री के पेपर का, यूपीएससी वालों को तो मिनिमम ये करवाना चाहिए। वीडियो आपको पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, नया चैनल है। यदि आप हमारा सहयोग करना चाहते हैं तो आर्थिक सहयोग भी इन बताए नंबरों पर कर सकते हैं। जय श्री राम।